वेलकम टू एनेक्डोट ऑफ द जार बाय वॉलेस स्टीवंस एक्सप्लेनेशन पार्ट टू। कविता एनेक्डोट ऑफ द जार, जिसके कवि वॉलेस स्टीवंस हैं, के व्याख्या के भाग दो में आपका स्वागत है। First of all, let us see the text of the poem. आइए पहले कविता की मूल पंक्तियां देखते हैं। I placed a jar in Tennessee and round it was upon a hill. It made the slovenly wilderness surround that hill. The wilderness rose up to it and sprawled around, no longer wild. The jar was round upon the ground and tall and of a port in air. It took dominion everywhere. The jar was gray and bare. It did not give off bird or bush like nothing else in Tennessee. Coming to the explanation of the poem part 2, we see the poem contains a number of particularly mysterious lines which are not very clear in their meaning at the first reading. Now let us come to the explanation part 2, which is in continuation of the explanation which we were discussing in the previous video. अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 देख चुके हैं, उसी की निरंतरता में ये एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है। We see that the poem contains a number of particularly mysterious lines which are not very clear in their meaning at the first reading. When we read the poem for the first time, we find that there are certain things which are not at all clear, and we do not understand what is the relevance or what is the reference of those words or meanings or whatever expression he has used. जब हम कविता को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें कई शब्द, कई अभिव्यक्तियां, कई भाव समझ में नहीं आते हैं कि इनका अर्थ क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं, या हम इसको समझने में क्या फेल हो रहे हैं, या हम समझने में अक्षम हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिखा गया है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द पोएम। इन वन लाइन वी आर टोल्ड दैट द जार डिड नॉट गिव ऑफ बर्ड और बुश। In one of the lines, it has been mentioned that the jar did not give off bird or bush. It is guessed that this simply means that the jar is an inanimate or non-living object. So, it does not care for the living world of nature that surrounds it. Now, critics have done some guess work about this. एक पंक्ति में ये कहा गया है, the jar did not give off bird or bush. इस पर अनुमान लगाए गए हैं, इस पर कयास लगाए गए हैं, और वो guesses क्या हैं? It is guessed that this simply means that the jar is an inanimate or non-living object. What critics
or interpreters or scholars have come to conclude about this line. इस शब्दावली या इस वाक्यांश के प्रति स्कॉलर्स ने या आलोचकों ने या समीक्षकों ने जो समझा है वो ये है कि द जार इज इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. यहाँ कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि जार एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अजीव है, निर्जीव है. और ऐसी चीज जो निर्जीव है, सो इट लेट्स इट डज नॉट केयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड ऑफ नेचर दैट सराउंड्स इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट डज नॉट केयर फॉर द लिविंग नेचर व्हिच इज अराउंड इट. इसीलिए क्योंकि खुद निर्जीव है, खुद जीवन विहीन है, इसलिए ये अपने आसपास की प्रकृति की तरफ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है. क्योंकि खुद जीवन विहीन है तो इसे जीवित प्रकृति के से किसी भी तरह का सरोकार नहीं है. ओह दैट द जार ब्रिंग्स नथिंग फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द नेचुरल वर्ल्ड अनलाइक द बर्ड एंड द बुश. एंड अनदर इंटरप्रिटेशन दैट कम्स बिफोर अस इज, एक और व्याख्या जो आलोचकों ने समीक्षकों ने की है वो ये है, और दैट द जार ब्रिंग्स नथिंग फॉरवर्ड. क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स से दैट वन इंटरप्रिटेशन कैन बी दैट द जार ब्रिंग्स नथिंग फॉरवर्ड, इट डज नॉट यील्ड नथिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट डज नॉट गिव अस एनीथिंग. जार हमें कुछ भी देता नहीं है. इट डज नॉट ब्रिंग, इट ब्रिंग्स नथिंग फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द नेचुरल वर्ल्ड अनलाइक द बर्ड एंड द बुश. It does not contribute anything like the bird and the bush. The way the bird being an animal contributes to nature. The bush being vegetation contributes to nature. यहां पर bird, चिड़िया, पक्षी होने के कारण कुछ प्रकृति को देती है या प्रकृति से उसका सरोकार होता है. Bush वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसका प्रकृति से सरोकार होता है, संबंध होता है. बट द जार हैज नो रिलेशन विद नेचर, सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट. लेकिन जार का कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है प्रकृति से, इसलिए यह प्रकृति को कुछ भी नहीं देता है. वी टेक नेचर इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड प्रोसेस इट, सेलिंग इट on in jars. And of course, America is the birthplace of consumer capitalism. Here, one more interpretation is that we take nature in the form of food and process it. When we consume food and process food, we are actually taking something or borrowing something from nature. हमारा प्रकृति से जो रिश्ता है, संबंध है, वो क्या है कि हम इससे भोजन लेते हैं और उस भोजन को या तो हम सीधे खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं, या हम उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एक प्रक्रिया के तहत डेवलप करके फिर खाते हैं, जिसको हम कुकिंग कहते हैं, पकाना कहते हैं, या हम भोजन को सीधे कच्चा ग्रहण करते हैं, या हम उसको प्रोसेस करके पका करके खाते हैं. Selling it on in jars. And another thing is that we sell certain foods after processing them in jars. और कुछ खाद्य वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम उनको जार्स में बेचते हैं, पात्रों में बेचते हैं, बर्नी में बेचते हैं, तो मर्तबान में बेचते हैं. तो इस तरह से जार्स का हम प्रयोग करते हैं प्रकृति से चीज लेकर के, प्रोसेस करके और फिर उसको बेचने में. एंड ऑफ कोर्स अमेरिका इज द बर्थ प्लेस ऑफ कंज्यूमर कैपिटलिज्म, एंड अमेरिका इज द बर्थ प्लेस, अमेरिका इज द फर्स्ट प्लेस ऑन द ग्लोब विच गेव राइज टू कंज्यूमर कैपिटलिज्म. और अमेरिका तो वो जगह है जहां पर कंज्यूमर, उपभोक्ता से संबंधित कैपिटलिज्म का
उद्गम हुआ था। इसलिए जार का अमेरिका की कैपिटलिज्म से भी बहुत गहरा संबंध है। अ जार इज अमंग अदर थिंग्स अ सिंबल ऑफ दिस। सो हियर सम क्रिटिक्स हैव सेड दैट द जार इज सिंबॉलिकल ऑफ द कैपिटलिस्ट आइडिया। द कैपिटलिस्ट व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम देन कैपिटलिज्म केम एंड पीपल दे स्टार्टेड बिकमिंग मटीरियलिस्टिक। सो इट वॉज दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच केम फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अमेरिका। हमने ये देखा है कि औद्योगिक क्रांति हुई और उसके बाद पूंजीवाद आया और उसके बाद लोगों के अंदर उपभोक्तावाद आया या कंज्यूम करने का जो रुझान था, प्रकृति थी, वो बहुत तेजी से बढ़ी। और इस चीज का सबसे पहला जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो अमेरिका में मिलता है। इसलिए जार इज अ सिंबल ऑफ दिस। सो सम क्रिटिक्स से that the jar is symbolical of this consumer capitalism. ये इसका संकेत है, ये इसका चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है कि जब हम सांकेतिक भाषा में बात करते हैं तो ये जार हमें एक संकेत के रूप में या एक प्रकृति चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में मिलता है। यहाँ प्रतीकात्मकता है जार के अंदर कि वो यहाँ के कैपिटलिज्म या कंज्यूमर कैपिटलिज्म को की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। We might also understand anecdote of the jar more widely as a poem about man's victory over nature. Some critics have said that the jar is man's victory over nature. It draws our attention to this direction. When we study the explanation of the poem, we find that this interpretation of the poem is also valid when we see it in this respect. जब हम कविता के explanation को इस संदर्भ में देखते हैं तो हमें कहीं कहीं ये संदर्भ भी बिल्कुल सही लगता है, ये व्याख्या भी बिल्कुल सही लगती है। और वो व्याख्या क्या है? Anecdote of the jar is more widely a poem about man's victory over nature. मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और ये जार प्रतीक है उस विक्ट्री का। ये एनेक्डोट ऑफ द जार के माध्यम से जो वृत्तांत हमारे सामने रखा गया है, ये मनुष्य की प्रकृति पर विजय का ही वृत्तांत है। Note how the placing of the jar on top of the hill means that the waste land or wilderness along with the natural world has to grow around the jar. Here, critics and scholars have interpreted this fact that the jar was kept at a neglected or abandoned spot. But even in that waste land, even in that wilderness, the whatever vegetation existed, it grew around that jar. यहां व्याख्याकारों ने, आलोचकों ने या साहित्यकारों ने ये व्याख्या की है जो बहुत सही लगती है कि जार जहां रखा गया था वहां तो निर्जनता थी, कोई भी सजीवता नहीं थी, स्लोवननेस थी। और जब जार रखा गया तो वहां के स्थानीय वनस्पति को उस जार के चारों तरफ उगने का रुझान पैदा हुआ। Note how the placing of the jar on top of the hill means that the wasteland or wilderness along with the natural world has to grow around the jar. इस consumer capitalism के इर्द गिर्द मनुष्य को अपनी बनाई हुई उपभोक्ता वाली संस्कृति के इर्द गिर्द नेचर का आना
बहुत नेचुरली देखने को मिलेगा। प्रकृति को अपने आप को इस पूंजीवाद या उपभोक्तावाद के चारों तरफ रखना ही पड़ेगा, इस पर आश्रित होना ही पड़ेगा। इन द एंड नेचर लूजेस इट्स वाइल्डनेस एंड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमरिज्म नेचर लूजेस इट्स वाइल्डनेस। जब मनुष्य के संपर्क में या उपभोक्तावाद के संपर्क में या पूंजीवाद के संपर्क में प्रकृति आती है, तो ये अपनी वाइल्डनेस को, ये अपने जंगलीपन को, ये अपनी उस प्रकृति को जो कि, ये अपने उस रुझान को जो कि इसको जंगल के साथ जोड़ करके रखता है, ये उसको खो देता है और उससे अलग हो जाता है। और इसका रुझान या इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो बनावट है, वो मनुष्य के प्रति या मनुष्य के खुद के रुझान या उसकी आवश्यकताओं के प्रति, उसके कंज्यूमरिज्म के प्रति झुकता दिखाई देता है। द जार सीम्स टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग अराउंड इट एंड द जार सीम्स टू इन्फ्लुएंस एवरीथिंग अराउंड इट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द जार इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग अराउंड इट। इट मीन्स कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म affects everything around it. जार सब अपने आसपास के सारे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अर्थात अगर हम इसको प्रतीक मान लें जार को, तो उपभोक्तावाद या पूंजीवाद ये अपने आसपास हर चीज को प्रभावित कर रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं, हर सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। जो हमारी मशीनरी है जिसके थ्रू हम रन करते हैं सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ये उन सब को प्रभावित कर रहा है। तो अगर जार को हमने प्रतीक माना है, तो हमने ये भी देखा है कि हमारे हर तरह का रुझान, हमारी मानसिकता, हमारी मनोवैज्ञानिकता, हमारी आवश्यकताएं, ये सब के सब उस उपभोक्तावाद या पूंजीवाद के इर्द गिर्द चले जाते हैं and removes the very wildness that makes the natural world what it is. And we are wrong in thinking that nature is wild. And by connecting nature with consumerism, we have helped nature to become our friend. हमने उपभोक्तावाद या पूंजीवाद के साथ जब प्रकृति को जोड़ा है, तो प्रकृति हमारे लिए जंगली नहीं रही है, बल्कि प्रकृति हमारे लिए ज्यादा फ्रेंडली हो गई है, प्रकृति हमारे लिए ज्यादा अपनी हो गई है। द रेपिटेशन ऑफ राउंड वर्ड्स, राउंड, सराउंड, अराउंड, राउंड, ग्राउंड, एम्फसाइज नॉट ओनली द राउंड शेप ऑफ द जार बट ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड जार एंड द विल्डरनेस ऑफ नेचर एंड ऑफ अमेरिका दैट सराउंड्स इट एंड स्प्रॉल्स अराउंड इट। द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, वी हैव सीन दैट राउंड वर्ड्स आर रिपीटेड विद सम प्रीफिक्सेस, राउंड, सराउंड, अराउंड, ग्राउंड, ऑल दीज आर द राउंड वर्ड हैज प्रीफिक्सेस अटैच टू इट। यहां पर ये जो राउंड शब्द है, मूल शब्द, इसके पहले उपसर्ग, इसके सामने हमने इसके शब्द लगाए हैं और उनके कारण ये इन शब्दों का बहुत महत्व बढ़ गया है। एम्फसाइज नॉट ओनली द राउंड शेप ऑफ द जार, इट डज नॉट एम्फसाइज ओनली द शेप ऑफ द जार। राउंड का अर्थ गोल से तक सीमित नहीं रखा गया है, जार का जो गोल आकार है उस तक सीमित नहीं रखा गया है, बट ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन मैन मेड जार एंड विल्डरनेस ऑफ नेचर। मैन मेड जार राउंड है, विल्डरनेस ऑफ नेचर राउंड है, एंड ऑल द विल्डरनेस ऑफ नेचर हैज टू सराउंड द मैन मेड सिचुएशंस। यहां पर इस गोलाकार में एक और बात जो हमें दिखाई देती है वो ये है कि मनुष्य जो भी बनाएगा, प्रकृति अपने आप ही उसके इर्द गिर्द अपने आप को स्थापित कर लेगी। एंड ऑफ अमेरिका दैट सराउंड इट एंड स्प्रॉल्स अराउंड इट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन इज दैट अमेरिका सराउंड इटसेल्फ अराउंड सच थिंग्स। अमेरिका का की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका के पूरे साइकोलॉजी,
अमेरिका के पूरी भौतिकतावाद, अमेरिका के पूरी उपभोक्तावाद, ये सब के सब जार के अराउंड जैसे वेजिटेशन उगा है, इसी तरह से यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके चारों तरफ अमेरिका के लोगों का रुझान भी हो गया है। तो यहाँ के यहाँ जो कंज्यूमरिज्म है या यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट आया है, उस सब ने नेचर को भी अपने साथ सम्मिलित कर लिया है और नेचर को अपने चारों तरफ कवच बना करके ये साथ में लेकर के चल रहा है। और फिर अमेरिका, अमेरिका तो बहुत जल्दी कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ गया। अमेरिका ने तो बहुत जल्दी आर्थिक संघर्ष करके अपने आप को स्थापित किया। तो यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट बात है कि जार के को प्रतीक मानते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रगति अमेरिका में हुई है, विशेष रूप से आर्थिक प्रगति, वो आर्थिक उत्थान जो हुआ है अमेरिका का, वो इसको प्रतीक मान करके देखे तो सही लगता है। दिस इज वॉट वॉलेस सेज इन द पोएम एनेक्डोट ऑफ द जार। एनेक्डोट ऑफ द जार में कवि ने हमें यही सारी बातें बताने का प्रयास किया है और अलग अलग व्याख्याओं में जितनी भी व्याख्याएं की गई हैं वो सारी हमें सही लगती हैं। लेट अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स फॉर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो एक्सप्लेनेशन भाग दो के लिए कुछ आवश्यक शब्द और वाक्यांश हैं, वो हम देख लेते हैं। विल्डरनेस, अ प्लेस दैट पीपल डू नॉट टेक केयर ऑफ और कंट्रोल। लोगों की उपेक्षा का कारण उजाड़ पड़ गया इलाका, घास फूस और झाड़ झंकार भरा इलाका। डोमिनियन, द पावर टू रूल एंड कंट्रोल, शासन अधिकार, प्रभुसत्ता। स्प्रॉल, टू कवर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बड़े भूक्षेत्र में फैल जाना। ग्रे, हैविंग द कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, काले और सफेद के रंग वाला, स्लेटी, राख जैसे रंग वाला। द जार हैज बीन शोन एज इफ इट इज मेड ऑफ ग्रे कलर। सो वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एनेक्डोट ऑफ द जार इन टू पार्ट्स और टू वीडियोज। काइंडली सी बोथ द वीडियोज एंड द शॉर्ट पोएम हैज मेनी इंटरप्रिटेशंस, सो काइंडली सी ऑल द इंटरप्रिटेशंस बिकॉज ऑल ऑफ देम सीम टू बी करेक्ट। यहां हमने कविता एनेक्डोट ऑफ द जार की का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या या इसका विस्तारीकरण देखा है दो भागों में। दोनों वीडियोस देखिए और इसमें जितनी व्याख्याएं बताई गई हैं वो सब सही लगती हैं, इसलिए सारी व्याख्याओं को आप ध्यान से देखें और पढ़ें, दोनों वीडियोस को देखें। थैंक यू, धन्यवाद।